झारखंड पुलिस के बैडमिंटन खिलाड़ियों ने 16वीं अखिल भारतीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में परचम लहराया, पदक जीते। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने उन्हें सम्मानित किया। मौके पर रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ रॉय ने डीजीपी अजय कुमार सिंह से खास बातचीत की और साथ ही डीजीपी ने चुनाव को लेकर भी बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूं तो हम सभी जानते हैं कि पुलिस हमारे रक्षा के लिए होते हैं, लेकिन पुलिस रक्षा के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जी हाँ, 16वीं अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता में झारखंड पुलिस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने पदक हासिल किया है। डीजीपी सर द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया है। मेरे साथ डीजीपी सर खुद मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है रफ्तार मीडिया में। धन्यवाद सर। पुलिस पदाधिकारी हैं, वो पदक लेके आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पुलिस हमारे रक्षा के लिए होते हैं और वो ये को करिकुलर एक्टिविटीज में भी भाग ले रहे हैं। नहीं, वो जैसा कि आप जानते हैं, पुलिस हो या अर्धसैनिक बल हो, वो खेल में स्पोर्ट्स में उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और एक उनका जो पार्ट ऑफ सर्विस है वो भी है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य सरकारों ने अर्धसैनिक बलों ने जो हैं वो उसके अंदर कोटे भी निर्धारित किए हुए हैं और हर एक स्पोर्ट्स में अलग अलग फील्ड्स में जो खेल जानते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है सब ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। तो उसी के क्रम में जो हमारे झारखंड पुलिस के ये बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर्स थे उसकी एक टीम बना करके तेलंगाना भेजी गई थी, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अच्छा प्रदर्शन किया और वहाँ पर वो पदक हासिल करके आए हैं। मेरी ओर से उन सबको शुभकामनाएं। सर, एक सवाल आपसे रहेगा, अभी चुनाव भी नज़दीक है तो चुनाव को लेकर झारखंड वासियों का कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि पुलिस का भी एक अहम योगदान रहता है। नहीं, अपील है कि सभी मतलब उसमें पूरे मतदान का जो प्रोसेस है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है और उसमें खुल करके भाग लें, शांतिपूर्वक तरीके से अपना मतदान करें ताकि जो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है वो पूरा हो और लोकतंत्र के में बढ़ावा आगे बढ़ सके और अच्छे से हो सके। पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे चुनाव के दौरान? वो एक बहुत विस्तृत क्या कहते हैं सब्जेक्ट है, उसमें जो डेपुटेशंस वगैरह हैं, जो तैयारियां चल रही हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत, उसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं और सब चीज़ जो नियमित रूप से होनी चाहिए वो टाइम से हो रही है। तो जैसा कि आपने सुना, किस प्रकार से चुनाव को लेकर भी जानकारी दी है डीजीपी सर ने रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय से, होगी मुकेश के साथ रांची।